श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित भारत सरकार वालों करवाए जाण वाले समागमां अते स्थापित कीतियां जाण वालियां यादगारां दे संबंध विच अज श्रोमणी कमेटी दे प्रधान बीबी जगीर कौर जी नाल भारत दे सभ्याचारक विभाग दे सकत्तर श्री गोविंद मोहन ने मुलाकात की। श्रोमणी कमेटी दफ्तर विखे हुई इस बैठक विच सिख विद्वान सकत्तर धर्म प्रचार कमेटी अते अमृतसर दे SDM मौजूद रहे। इस मौके श्री गोविंद मोहन ने भारत सरकार वालों 400 साला प्रकाश पुरब संबंधी नौवें पातशाह जी नूं समर्पित उलीकियां योजनावां तो बीबी जगीर कौर जी नूं जाणू करवाया। मैं भारत सरकार का संस्कृति सचिव हूँ, मेरा नाम गोविंद मोहन है। इस वर्ष जैसा आपको पता है गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पुरब है, उसके संबंध में किस तरह से प्रोग्राम आयोजित किए जाएं जो भव्य हों और जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो जीवन था उसके अनुरूप हम उनकी यादगार को मनाएं और पूरे देश को उससे अवगत कराएं, इसके बारे में किस तरह की कार्य योजना बने ये बीबी साहब के साथ चर्चा करने में आया था। बहुत अच्छी चर्चा हुई है और अब इस पर हम आगे विचार और करेंगे। बड़ी खुशी की गल है कि धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल का प्रकाश उत्सव जो संसार भर च मनाया जा रहा है, चौथी शताब्दी को सन्मुख रखद भारत सरकार वालों पहला ऐलान किया गया सी कि 400 साल के उत्ते असी कोई वड्डे फंक्शन करना चाहते हैं, कोई मेमोरियल बनाना चाहते हैं, कोई उसके उन्होंने इतिहास को दुनिया च फैलाना चाहते हैं। तो वो संबंध में मैं खुशी है कि गोविंद मोहन IAS सैकटरी कल्चरल डिपार्टमेंट भारत सरकार तो आए विचार करने वास्ते, बड़िया उत्तम विचार हुई कदों मनाया जाए की बनाया जाए की साडा वो असी जो संकल्प की देना चाहते हैं लोगों की असी उपदेश देना चाहते हैं वो सारिया बड़िया उत्तम विचार हुई जिदे साडे विद्वाना ने बैठ के भी साडे धर्म प्रचार सकत्तर भी सारे ने विचार कीतियां और आने वाले समय से फिर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जिदे जल्दी ये सारा ये जड़ा जो प्रोग्राम है वो उलीकिया जाएगा। सो मैं समझती हाँ कि ये जड़ा इनिशिएटिव लिया कल्चरल डिपार्टमेंट वालों कि 400 साल कितना को महत्वपूर्ण ढंग ना मनाया जाए वो बड़ा एक सराहनायोग कदम है। तो इन्हों का मैं धन्यवाद करती हाँ कि उचेचे तौर पर आप आए हैं। वाहेगुरू करे कि असी छेती ये संपूर्णता वाल वधीए, जल्दी अच्छे काम करिए, चंगा संदेश जड़ा कौम दे सकीए जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का शांति एकता का पैगाम सर्वसांझीवालता का पैगाम जो उन्होंने एक कह लो कि ह्यूमन राइट्स का जो उनकी शहादत है ह्यूमन राइट्स का पैगाम देती है वो अनुसार असी चल सकी तो उन्होंने पैगाम दुनिया से पहुँचा सकी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की।